Assalamualaikum, how are you all? तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोयला कढ़ाई हाईवे स्टाइल। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, आप नोट कर लें। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 kg चिकन, टमाटो पेस्ट 1/2 kg, आप चाहे तो चॉप टमाटोज भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन 1 अदद, नमक हसबे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 2 कोयले बारीक कटी हुई, अदरक, घी 3 खाने के चम्मच, स्पेशल कढ़ाई मसाला जो घर में बनाया है मैंने, आगे आप इसकी इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। और मैंने इसमें कढ़ाई मिर्च यूज़ करी है 6 से 8। तो सबसे पहले हम अच्छे से गरम कर लेंगे अपनी पतीली को। जब ये अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम घी को और उसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम चिकन को और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी सेम घी में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। फिर इसमें ऐड करेंगे हम टमाटो पेस्ट और इसको अच्छे से पकने देंगे फॉर अबाउट 10 मिनट्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट अच्छे से पक चुका है। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर और टर्मरिक पाउडर, और फिर हम इसको अच्छे से पकने देंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स।
15 मिनट के बाद हमारी कढ़ाई में अब हम मसाले डालेंगे जो बाकी के थे। इसको ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको भूनेंगे और फिर इसके अंदर अपनी अदरक और ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और लेमन जूस। और अब हम अपनी कढ़ाई को स्मोक दे देंगे कोयले से और हमारी कढ़ाई तैयार है। आप इसको टॉप कर सकते हैं मक्खन के साथ और नान के साथ और रायते के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नान की रेसिपी शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।